आइए चर्चा करते हैं व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, यानी प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक क्या हैं। प्राथमिक प्रदूषक एक स्रोत से सीधे उत्सर्जित वायु प्रदूषक हैं। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज एन एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स, यानी किसी सोर्स द्वारा सीधे उत्पादित होने वाले पॉल्यूटेंट में इसको रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स यानी फॉसिल फ्यूल से निकलने वाले जो तत्व हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत हम पेट्रोलियम पदार्थों को रख सकते हैं, उनके जलन से, उनके कम्बशन से निकलने वाले जो तत्व हैं वो इसके अंतर्गत सीधे रखा जाएगा। दूसरा है, इसके अंतर्गत आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO2, NO3, ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स इसके अंतर्गत रखा जाएगा। चौथा है सल्फर के ऑक्साइड्स, और तीसरा है पार्कुलेट मैटर्स। पार्कुलेट मैटर्स जनरली मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पार्कुलेट मैटर्स का मतलब होता है कि वो तत्व जो बहुत छोटे हैं और एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाते हैं। अब छोटे तत्वों में ऐसे भी तत्व हो सकते हैं जो हैवी पार्कुलेट मैटर्स हो, हैवी जैसे आयरन है, निकल है, लेड है, तो ये जनरली तो काफी भार धातु है, भारी धातु है, लेकिन इतने छोटे कण हो गए कि एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव करने लगे। एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव करने की वजह से इन्हें हैवी पार्कुलेट मैटर्स नाम दिया जाता है। ये हुआ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की अब हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स यानी द्वितीय प्रदूषक वे होते हैं जो किसी अन्य प्रदूषक से क्रिया करके उत्सर्जित होते हैं। अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज नॉट डायरेक्टली एमिटेड एज सच बट फॉर्म्स व्हेन अदर पॉल्यूटेंट्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर, यानी वो किसी अन्य पॉल्यूटेंट जनरली प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्शन के उपरांत उत्पन्न हो। जैसे हाइड्रोकार्बन पनप गया, हाइड्रोकार्बन से कोई चीज रिएक्ट करके उत्पन्न हुई। जैसे एग्जाम्पल हम रखेंगे तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, तो ओजोन नया निर्मित हुआ अन्य तत्वों से, ओजोन डायरेक्टली नहीं निर्मित होता, लेकिन ओजोन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के माध्यम से निर्मित होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसे सरफेस लेवल ओजोन भी कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड कर रखा है। इसके बाद पैन भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। पैन का फुल फॉर्म UGC नेट के एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा है। पैन का फुल फॉर्म होता है पेरोक्साइल नाइट्रेट, यानी पेरोक्साइल नाइट्रेट। तो पैन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, पेरोक्साइल नाइट्रेट, ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद होता है एसिड रेन। एसिड रेन पे भी मैंने पूर्व वीडियो में चर्चा किया कि भाई जब नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या सल्फर के नाइट्राइट्स, सल्फर के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उठ के ऊपर की ओर जाते हैं, तो ये बादलों के द्वारा यानी कि वाष्पन के माध्यम से बादलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, क्योंकि पानी के विलय होने से या संलयन होने से ये संतृप्त हो जाते हैं और फिर उसके बाद एसिड का रूप बदल लेते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स।